good morning everyone. today we are going to study english balbharti of standard 3rd. let me start with the lesson number 18. look before you leap. this is a small story that we are going to see today in this morning. long, long ago, there lived two little frog in a pretty little pond. so, long, long ago, there lived two little frogs yes how many frog two little frog in a pretty little pond there was a small pond and there were two little frog was living in that pond colorful water lilies grew in the pond see in the water all colorful lilies were there in the pond word goes fish darted about and tiny insects burst around fish darted fish was moving here and there and all the tiny insects, insects, they were burst around. the pond was full of life. all the living things, they were living in the water. the pond was full of life. the two frogs were very close friends. the two frogs, they were very close friends. they had the plenty to eat in the pond. there are many, many things are there. there are many, plenty of things. To eat in a pond all the day long. They played about jumping lily pad to lily pad and diving headlong in the pond. They were all lily pad. Yes, this is a pad which was seen the green in color. Okay. So lily pad means one of the floating leaves of a water lily. Yes, there were the floating leaves which was there in the pond, and they were jumping here and there and they were the happiest little frog in the world. they were so happy. yes, they were the happiest little frog in the world. the frog loved the rainy season, but the rainy season do not last forever. yes, isn't it? it was uh, hardly two or three months. after the rainy season completes, it comes the winter. the rain stop and weather become hot too much. still, there was a lot of water and life in the water pond. देर वॉज़ नथिंग टू वरी अबाउ इन विंटर द फ्रॉक फ्रेंड फॉन काजी कोजी मीन्स वाम गर्मी जैसे तो बारिश की मौसम चली गई तो गर्मी की मौसम आ गई धीरे धीरे पानी सूखने लगा देर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर लाइफ इन द फॉन्ट देर वॉज नथिंग टू वरी बट द विंटर इन विंटर विंटर वैसे ठंडी के मौसम में द फ्रॉक फ्रेंड फाउंड कॉजी उनको क्या है लगता है विंटर सीजन में उनको वार्म लगता है द फ्रॉक फ्रेंड फाउंड वार्म लिटल प्लेसेज एट द एज ऑफ द पाउंड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्लीपिंग एंड रेस्टिंग ड्यूरिंग दैट टाइम यू नो विंटर सीजन में वो क्या करते हैं आराम करते हैं और सोते हैं दे स्पेंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्लीपिंग एंड रेस्टिंग उन्नी सोन इट वॉज समर फिर धीरे धीरे समर सीजन आ गए नाउ द डे बिकम्स वेरी हॉट अभी तो और गर्म होने लगे विद द हॉट सन ब्लैजिंग ब्लैजिंग मीन्स एक्सट्रीमली हॉट इन द स्काई द पॉन्ड बिगेन टू ड्राई पॉन्ड वॉस बिगन टू ड्राई धीरे धीरे पानी सूखने लगा विदाउट वाटर द लिली स्पैड ड्राइड अप

यू आर राइट इट्स अ हार्ड वर्क ट्रेवलिंग इन द शॉर्ट्स एंड है ना ये हमारे लिए बहुत ही कठिन है कि हमें ट्रैवल करना पड़ेगा इतने धूप में बट दैर इज़ नो अदर वे बट दैर इज़ नो अदर ऑप्शन कमऑन लेट एस स्टार्ट दूनर द बेटर इफ यू ट्रेवल टूगेदर द सर्च विल बी ईजियर येस सो द फ्रॉक लेफ्ट द ड्राइंग पॉन एंड बिगेन टू लुक फॉर ए वॉटरी है ना वो लोग दूसरे जगह ढूंढने लगे जहाँ पे पानी है दे हॉप एंड हॉप एंड बिकम वेरी ट्राई वो वो जैसे जैसे चलते गए और बहुत थक गए एंड जस्ट देन थोड़ी ही दूरी पे उनको एक एक कुएं दिखाई दिया उस कुएं के अंदर क्या है थोड़ा बहुत पानी तपा बहुत गहराई के अंदर द वेल वॉज बिल्ड इन स्टोन वो कुएं के अंदर पत्थर से बांधा हुआ था द फ्रॉक हॉप्ड ऑन टू द वॉल एंड पीप इंस है वो okay, क्या ऊपर चढ़ा और ऊपर से चढ़कर देखे कि पानी कितना है द वेल वॉज क्वाइट डीप कुआ एकदम गहराई था बट देर वॉज लॉट ऑफ वाटर बट स्टिल एट द बॉटम ऑफ द वेल पर तो भी पानी एकदम कुएं के एकदम गहराई के अंदर ही पानी था द फ्रेंड बिगेन टू जम्प फॉर जॉय वी आर सो फॉर्चुनेट थैंक यू गॉड दैट वी फाउंड दिस वेल दे वेल बोज वेल जम्प द वेल आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व आवर सर्च हैज़ एंड फ्रॉन् न्यू होम हम एक नया घर मिला लेट जम्प इंग टूगेदर वन और टू वेट फ्रेंड दिस विल इज सो डीप एक दोस्त ने बोला वन फ्रॉग वॉज टोल ये ये कुआ बहुत ही गहराई है एंड देर एंड देर वाटर लेफ्ट ओनली एट द बॉटम अभी पानी से वो गहराई के अंदर ही बचा हुआ है ऊपर तक नहीं बट वी कैन श्योरली डाइव ए पर तो भी हम जा सकते हैं पर हावेवर डीप वेल मे बी डाइविंग इज स्पेशलिटी वाई डू वी हेजिटेट क्यों इतना क्यों चिंता कर रहे ऐसी कोई बात नहीं हम जा सकते हैं इट हैज़ ऑकर टू मी दैट दिस वेल इज ऑल्सो ड्राइंग अप एक ने बोला कि ये भी सूख जाएगा इफ इट इट ड्राइज अप कम्प्लीटली अगर एक पूरी तरह सूखने के बाद वील हैव टू लिव दिस वेल ऑल्सो अगर ये पानी एक बार सूख जाएगी तो ये भी कुआ हमें छोड़ना पड़ेगा येस आई एग्री बट वाई डू यू हेजीटेट नी क्यों चिंता करो अभी तो काफ़ी समय है फ्रॉग इजोर इट्स बिकॉज आई सी ए प्रॉब्लम बिकॉज आई कैन सी ए प्रॉब्लम नाउ वी कैन ईजिली डाइव इन टू द वेल अभी हम लोग अच्छा से स्विम कर सकते जम्प कर सकते बट वॉट बट इफ द वेल ड्राइव अप कैन वी जम्प सो हाई वंस व वेल वॉटर विल गेट ड्राई अप

Let's continue our search. They what they have done both the frog they left the uh, well over there and they they were continued to travel for another place. And so the two little frog hop and, and to look for the safe shelter. And now they left that place and they are searching for the another place for the safe shelter. How well it is said. Look before you leap. Yes.

If it is right, then do go ahead. If it is wrong, if something problems there, something in that, then you have to think it. Okay, so this is a small lesson that you're going to read it and you're going to write the hard words of this lesson today. Okay.